आपका मित्र डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ से जिम एक्सपर्ट्स और ज्योतिष आचार्य। दोस्तों मित्रों, बात करूंगा आज मैं एक नए रत्न के साथ। रत्न का नाम है, बहुत ही सुंदर है और आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि नारायण जी फिरोजा रत्न के ऊपर प्लीज वीडियो बनाइए। आपके कहने के बाद दोस्तों मैंने एक कोशिश की है कि थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि फिरोजा रत्न क्या काम आता है और क्या होता है। फिरोजा रत्न कौन से माइंस का सबसे ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों बात करूंगा फिरोजा रत्न के। ध्यान से देखिएगा, ईरानी फिरोजा और दो प्रकार के फिरोजा है विशेष रूप से। एक है इटालियन फिरोजा नंबर वन, जो कि बहुत बेस्ट है, और सुपर बेस्ट में अगर जाएंगे तो वो है ईरानी फिरोजा। आप ध्यान से देखिएगा मित्रों, ईरानी फिरोजा में और दूसरे में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ देखिए, एक के नीचे आप ध्यान से देखेंगे जो ये जो इटालियन जो फिरोजा है, इटालियन फिरोजा के नीचे क्या है, बीच में पीछे गोंद चिपका होगा। गोंद जैसे लाख होता है, ये जो बैंगल्स में लगता है, लेडीज के जो चूड़ियों में लाख की आती है ना, चूड़ियां आती है उसमें लगाया जाता है। ये वो वाला आपका जो फिरोजा है जो कि इटालियन है। और दूसरी जो देसी बिल्कुल डुप्लीकेट भी आ रही है आज के दिन बाजार के अंदर, चाइनीज फिरोजा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो इटालियन है। इटालियन से भी ज्यादा अच्छा रहेगा जिसके पीछे गोंद नहीं लगी होती बिल्कुल, फिर ये आपका जो जो आपका लाख है, लाख नहीं लगी होती, ये वाला रत्न बहुत अच्छा माना जाता है। और ये इसका जो कलर है दोस्तों, एकदम शानदार कलर होगा, एकदम फिरोजी कलर होगा। फिरोजी मतलब बिल्कुल डार्क फिरोजी होगा, शानदार उठा हुआ कलर होगा। जैसे असली फिरोजा को हाथ में लेते हो आपको क्या फील आता है, एकदम आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। यकीन मानिए, जैसे नीला रंग इसमें ज्यादा रहता है, स्काई कलर इसमें ज्यादा रहता है, तो एकदम आपके ब्रेन को रिलैक्स देता है। अच्छा, फिरोजा काम क्या क्या आता है, फिरोजा किसको सबसे ज्यादा यूज करना होता है, फिरोजा के बारे में आज आपको मैं डीपली बताता हूँ। कोशिश करूंगा, थोड़ी वीडियो शायद लंबी होगी तो प्लीज आप देख लीजिएगा। मित्रों सबसे अच्छा जिन लोगों की बहुत ज्यादा जर्नी होती है, जिनकी यात्राएं बहुत ज्यादा रहती हैं, जिनकी आपने देखा है भाई सुबह बंदा कहाँ है, दिल्ली है, दोपहर में कहाँ है, बॉम्बे है, शाम को कहाँ गया, चंडीगढ़ आ गया, मतलब जिनकी बहुत ज्यादा यात्राएं रहती हो, जिनकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रहती हो, जो मार्केटिंग के लाइन के लोग हैं, स्पेशली जो लोग हवाई यात्राएं ज्यादा करते हैं, या जो लोग रेलवे ट्रेन की यात्राएं बहुत ज्यादा करते हैं, जो जर्नी में सबसे ज्यादा रहते हो, उनको दोस्तों फिरोजा रत्न सबसे बेस्ट रहता है, ताकि जर्नी करें तो जर्नी का लाभ प्राप्त हो जाए। नंबर एक। नंबर दो, यदि आपको गलत सपने ज्यादा आते हैं, गंदे सपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मेरे सपने में गलत औरत मेरे सपने में आ गई, या बहुत सारी फीमेल महिलाएं बोलती हैं कि गलत पुरुष मेरे सपने में आ गया, जिनको गंदे सपने आते हैं उनको फिरोजा बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। इसके अलावा फिरोजा रत्न क्या काम करता है, अचानक कोई कष्ट का पहाड़ टूट गया आपके ऊपर, कोई अचानक विपत्ति आ गई, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई, तो फिरोजा तुरंत पहन लो बिना सोचे समझे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, इस सूर्य कृपा से। ये देवताओं का सबसे पसंदीदा मणि होती है दोस्तों, देव मणि के नाम से भी इसे जाना जाता है। देवता इसको आप बहुत सारे पुराने चित्रों में देखेंगे, देवी देवताओं के कंगनों में, आभूषणों में ये जड़ा हुआ मिलेगा, देव मणि भी कहा जाता है। देव मणि की दोस्तों ग्रेविटी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो फिरोजा रत्न है दोस्तों, ये पाकिस्तानी फिरोजा भी आता है, ईरानी फिरोजा सबसे अच्छा रहता है, अलग अलग कंट्रीज से आता है, बहुत सारे कंट्री से निकलता है। आजकल तो सबसे बड़ा दुख इस बात का, चाइनीज मार्केट ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, हर चीज का डुप्लीकेट बना दिया है। शायद चाइना का बस चले तो इंसान का भी डुप्लीकेट तैयार कर देंगे, क्लोन ही बना देंगे, शायद इंसान ही ना मरे। इसी प्रकार से दोस्तों आज के दिन बिल्कुल जो आप देखेंगे कि एकदम मिलता जुलता कलर का, एकदम उसको भट्टी वाला भी बोलते हैं बहुत सारे एजेंट लोग, बहुत सारे मित्र लोग जो सेल करते हैं, भट्टी वाला बोलते हैं, भट्टी वाला कच्चा मतलब एकदम चाइनीज होता है, वो नहीं पहनना चाहिए। अगर फिरोजा आप पहनते हैं तो जिंदगी में कभी आपको नजर नहीं लगेगी, या ये कह लो कि नजर से बचाव करता है फिरोजा। इसके अलावा आपको सपने बहुत ज्यादा गंदे सपने आते हो, गंदगी सपने में दिखाई देती हो, तो आपको फिरोजा सबसे ज्यादा फायदा करने वाला है। अच्छा, रिलेशन खराब हो रहे हैं, बात बैठे की बनती ही नहीं है, बैठे बैठे झगड़ा हो जाता है, फिरोजा पहन लो।
पिता अपने बेटे को गिफ्ट कर दे, बेटा अपने फादर को गिफ्ट कर दे। पहनना किसमें है? चांदी में पहनना है। और आपके वजन और आपकी कुंडली के हिसाब से यदि आप इसका परफेक्ट ग्रेविटी और परफेक्ट अगर आप वजन के हिसाब से पहन ले तो काम करेगा ही करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, बाकी प्रभु इच्छा। दूसरा दोस्तों मैं आपको एक चीज और कहूंगा, ग्रहों की बात करें तो जिनकी कुंडली में शुक्र डिस्टर्ब है, लव लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, लव प्राप्त नहीं हो रहा, लव मिलते मिलते टूट जाता है, उन लोगों को भी सबसे ज्यादा फिरोजा अच्छा रहता है। जैसे शुक्र अस्त हो गया कुंडली में, शुक्र सूर्य के साथ जैसे शुक्र बैठे अस्त हो गया, शुक्र ग्रह अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है तब भी शुक्र को पावरफुल बनाने के लिए, बचाने के लिए भी आपको दोस्तों फिरोजा रतन ईरानी फिरोजा सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ बातें और बताना चाहूंगा आपको, जो पहनना है पहनना किसमें, चांदी में पहनना चाहिए। और किस दिन पहनना चाहिए? शुक्रवार के दिन प्रातः काल शुभ के चौघड़िया में या दिन के सही 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में आप पहन सकते हैं। दूध गंगा जल पंचामृत से स्नान करा के शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का पाठ करा के अभिमंत्रित करके पहनिए, फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। ईश्वर की कृपा से जिंदगी के अंदर दोस्तों आपको मतलब और बस शब्द भूल जाएंगे आप, मतलब इसके अलावा और कोई शब्द नहीं। ईरानी फिरोजा बहुत काम की चीज है। बॉलीवुड में देखेंगे तो हमारे एक बहुत बड़े भाईजान जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और आप उनके हाथ में भी देखते होंगे बहुत बार, यहाँ ब्रेसलेट में पहन के रखते हैं, उन्होंने भी ईरानी फिरोजा पहना है। दोस्तों फिरोजा बहुत पावरफुल है और भी देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने पहना है, नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों पॉइंट ये है कि फिरोजा बहुत काम करता है। फर्क है कोई गले में पहनता है, कोई ब्रेसलेट में पहनता है, कोई अंगूठी में पहनता है, कोई कान में पहनता है, कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन दोस्तों ये काम करता है। दोस्तों मेरा काम पत्थर बेचना नहीं, मेरा काम आपको गाइड करना है। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं नारायण जी कहीं आप अपनी मार्केटिंग के लिए तो नहीं कर रहे? दोस्तों बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ईश्वरीय कृपा से ज्योतिष का अनुभव और ज्योतिष की प्रैक्टिस इतनी है कि उससे फुर्सत नहीं मिलती। दोस्तों ठीक ठाक फीस लेकर के कंसल्टेंसी देता हूं और उसी से फुर्सत नहीं मिल रही। दोस्तों मेरा काम बेचने का नहीं, यदि आपको चाहिए आप मुझसे ये कह सकते हैं नारायण जी मुझे मंगवा के दे दीजिए, अदरवाइज मेरा काम पत्थर बेचने का नहीं, मेरा काम ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित परेशानियों को सुलझाना है। दोस्तों तो दोस्तों ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे हौसला अफजाई के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे और बताइएगा और किस चीज के ऊपर और अगला वीडियो बनाए। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो आपको अपॉइंटमेंट नंबर लिखा होगा स्क्रीन के ऊपर 90116 Penta 4, इस नंबर के ऊपर दोस्तों आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चंडीगढ़ में रहता हूँ दोस्तों और ईश्वर की बड़ी कृपा है, ईश्वर की कृपा इतनी है कि विशेष रूप से कैरियर एडवाइस यदि आपको कभी चाहिए, स्पेशली एजुकेशन और बिजनेस कैरियर एडवाइस कि क्या लाइन में जाना चाहिए, कौन सा कारोबार आपको सूट करेगा, तो दोस्तों एक बार जिंदगी में नारायण जी से मिलने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ईश्वर ने चाहा तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है नारायण जी, आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो।